नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। यूपी इलेक्शन ज्यों ज्यों अवध और पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, चुनावी मैदान में गर्मी बढ़ने लगी है। अयोध्या में दो बाहुबलियों में गोली चली है। मऊ में मुख्तार का बेटा पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में ताल ठोक रहा है। जौनपुर पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां एक ऐसा बाहुबली अचानक चुनावी मैदान में आया है जिसे कुछ दिन पहले तक पुलिस ढूंढ रही थी। हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह की, जो जेडीयू के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। धनंजय, खुद जीतेंगे या किसी का खेल बिगाड़ेंगे, क्या होने वाला है, समझिए इस ग्राउंड रिपोर्ट से। विपक्ष की सियासी फाइलों में फरार ये नेता है धनंजय सिंह। क्रिकेट खेलता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ और कड़ाके की ठंड में भी यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। सवाल ये उठा कि बाहुबलियों को जेल में डालने का दावा करने वाली योगी सरकार का धनंजय को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। अब यही धनंजय जौनपुर की मल्हनी सीट से तीर लेकर चुनावी रणभूमि में उतर गए। पूरे प्रदेश की निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर लगी हुई हैं। सबके मन में एक सवाल है, क्या पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में शुमार धनंजय का 8 साल का राजनीतिक वनवास समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सितारा पूर्वांचल से चमकता है। एक ऐसी ही शख्सियत है जिनके नाम की चर्चा होती है तो सुर्खियां भी खूब बनती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली से सांसद का सफर तय करने वाले धनंजय सिंह जी का। धनंजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया टीवी पे बात करने के लिए बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मैदान में आप एक बार फिर से हैं, क्या लग रहा है आपको माहौल और तैयारी क्या है आपकी? देखिए, तैयारी लगातार चल रही है। उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में बहुत थिन मार्जिन से हम लोग चुनाव लूज किए थे यहाँ पर, और इस बार तब से लगातार हम लोग क्षेत्र में लगे रहे और क्षेत्र में काम करते रहे और अच्छा काम किया हम लोगों ने पिछले एक वर्षों में इस क्षेत्र में, जिसका परिणाम है कि इस बार जनता एकदम हाथों हाथ लिए हुए है और भारी अंतर से यहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे। हमको लगता है कि पोल वोट का 50% प्लस वोट हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर। धनंजय जी, 2002-2009 आपकी किस्मत चमकती रही, लेकिन कहा जाए 2007-2009 उपचुनाव था, से किस्मत रूठ गई है लोग कहते हैं। किस्मत नहीं रूठ गई 2014 से, परिस्थितियाँ कुछ ऐसे खड्यंत्र में हम फंस गए, लोगों ने फंसाया उस समय, और नहीं तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। कहा जाता है कि राठे जी के नाम से सियासत का सफर आपका शुरू हुआ। राठे जी, मुन्ना बजरंगी जी के जो गुरु कहे जाते थे। कौन? मुन्ना बजरंगी के जो गुरु कहे जाते थे, तमाम आर्टिकल्स में जो हम लोगों ने पढ़ा। कोई आर्टिकल इस तरीके का नहीं है, हम लोगों का कोई इस तरीके का संबंध नहीं रहा। क्षेत्र में रहे, हम लोगों के सीनियर थे, इसके अतिरिक्त कुछ हम लोगों का बहुत वो नहीं रहा। हम लोगों से उम्र में भी काफी सीनियर थे और ये सब सरासर झूठी सो कॉल्ड सोशल मीडिया की प्रचलित चीजें हैं, ये सब इस पे हम लोग ना एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसकी चर्चाएं भी खूब हुई। अखिलेश यादव ने भी बहुत ट्वीट किया जब आप क्रिकेट खेल रहे थे। ट्वीट के बाद तो जाने ये सब चीजों को, और उन्हीं के ट्वीट के बाद से अब सारी उन अखिलेश जी के ट्वीट के बाद से हमने भी कोर्ट में एप्लीकेशन अपियर हुए हम कोर्ट में, कि जानने के लिए हमारे ऊपर क्या है। तमाम उनके ट्वीट के बाद से विवेचना बदली, तमाम चीजें उन्हीं के ट्वीट के बाद से हो रही हैं। आप लोग उसी के उन्हीं के ट्वीट के बाद से सक्रिय हुए। वो तो कहते हैं कि बाहुबलियों से तो कोई सवाल नहीं पूछता। अरे, उनसे जाके पूछिए कि कैसे वो टिकट दे रहे हैं लोगों को, वो खुद ही बताएं ना। वो लोगों उनका गठबंधन, दूसरे से काहे पूछते हैं। जौनपुर के लिए धनंजय कोई नया नाम नहीं है, यहीं की गलियों में बचपन बीता और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी यहीं से की। जनसंपर्क में भीड़ तो खूब जुट रही है, पब्लिक सेल्फी भी ले रही है, लेकिन क्या वोट मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। इश्यूज क्या हैं जिन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको लगता है कि यही मुद्दे कारगर साबित होंगे और आप दोबारा से जीतेंगे? नहीं नहीं, जनता के बीच में पिछले 10 सालों से यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, सरकार भी 5 साल उसमें समाजवादी पार्टी को मिली, कैबिनेट मंत्री भी रहे यहाँ पर। जनता बेहाल, अभी सड़क पर आ रहे हैं ना, दशा देख रहे हैं। किसी भी सड़क पर चले जाइए, ग्रामीण टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, पेयजल के लिए लोग रो रहे हैं, अभी महिला रो रही थी अभी पेयजल के लिए। 10 सालों में किया क्या यहाँ पे? लूटपाट किया, कमीशन खोरी की, केवल अपने निधियों को बेचा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया लोगों ने। जो भी पैसा आता रहा होगा, क्या हुआ वही लोग बता सकते हैं। जनता लेकिन बेहाल है। जो सुविधा हमारे रिजीम में रही है यहाँ के लोगों को, किसी भी प्रकार की मूलभूत आवश्यकता जो थी हमसे पूर्ति होती रहती थी। जो भी यहाँ लोग कहते थे, हम लोग आते त्वरित समाधान करते थे उसका, तो वो एक जनता यहाँ पे उसको मिस कर रही है।
और मैं आपको एश्योर करता हूँ इस बार के इस चुनाव में, इलेक्शन में आप देखिएगा यहाँ पर 50% से प्लस लोग हम लोगों को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी सिर्फ लड़ाई इस आधार पर लड़ती है, उसको लगता है कि हम हमारी जाति बहुत ज़्यादा है, जात के ठेकेदार हैं, वो जात के ठेकेदार बन सकते हैं, हम जात के ठेकेदार नहीं। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली मल्हनी विधानसभा में धनंजय के लिए मुकाबला आसान नहीं है। पिछली बार भी धनंजय चुनाव लड़े थे, टक्कर जोरदार थी लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। 2017 के चुनाव में पारसनाथ यादव को 69,351 वोट मिले थे, उनको टक्कर देने के लिए खुद धनंजय मैदान में थे। निषाद पार्टी से धनंजय को 48,141 वोट मिले, दूसरे नंबर पर धनंजय थे जबकि बीएसपी और बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर रही। बाद में पारसनाथ यादव के निधन के बाद उपचुनाव में उनके बेटे लकी यादव मैदान में उतरे, धनंजय ने दोबारा टक्कर दिया। इस बार बतौर निर्दल प्रत्याशी धनंजय को 68,836 वोट मिले थे, वो लकी यादव से 4,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को कुल 28,840 वोट मिले थे। इस बार मल्हनी में फिर से समाजवादी पार्टी और धनंजय में टक्कर हो रही है। एसपी की तरफ से लकी यादव मैदान में है तो बीजेपी ने पूर्व सांसद केपी सिंह को मैदान में उतारा है। यादव क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ये पूरा इलाका है, डिसाइडिंग फैक्टर है माना जाता है, और कहा जा रहा है कि जो आपके सामने समाजवादी कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहते हुए नजर नहीं आते, उनके बयान खुबाते हैं। नहीं छोड़े जाने दीजिए, अभी राजनीति के नौसिखिया बालक हैं लोग, उससे क्या कमेंट किया जाए। सर जब जब आर्टिकल पढ़े या दिल्ली से हम लोग आते हैं तो आपके नाम के आगे बाहुबली की चर्चा होती है, बाहुबली आपको क्यों कहा जाता है? ये तो आप ही का शब्द है, हम तो जानते नहीं, ये तो मीडिया के ही द्वारा क्रिएट किया गया, डॉन माफिया बाहुबली जो भी शब्द है, आप ही लोग जिस चीज से नवाज दें हम लोग उससे नवाज जाते हैं। धनंजय बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन बाहुबली की छवि आड़े आ गई, ठिकाना मिला नीतीश कुमार की पार्टी में, लेकिन वोट मोदी योगी के नाम पर मांग रहे हैं। यादव कहते हैं कि क्षत्रियों का राज है, बाबा क्षत्रिय बाहुबलियों को कुछ नहीं कहते हैं। एक मनीष जी, जो लोग जाति राजनीति करते हैं उनको दूसरे पे कमेंट करने का अधिकार नहीं है, या तो स्वयं जात की राजनीति ना करते होते। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को बदनाम किया, इनकी रजीम में 12 से 17 के बीच में छात्र आंदोलन, धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की तमाम चीज़ें किए, और आज दूसरों बाबा की राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक इंडिविजुअल बड़ी नेशनल पार्टी है, हम जेडीयू से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू भाजपा का गठबंधन भी है, बिहार में भी है और केंद्र में भी है, हमारे यहाँ पे सीटों का समझौता हम लोगों का नहीं होगा। तो हमसे जब भी आप पूछेंगे तो हम बीजेपी को क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ ऑलरेडी सरकार हमारी चल रही है, तो बीजेपी की सरकार यहाँ पे समाज जो जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में जिस एजेंडे पे काम कर रही, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को के उत्थान के लिए काम कर रही, उसी उत्थान पे यहाँ के मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में काम कर रहे थे, तो उसको लेके जब चूंकि जनाधार खिसक गया है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी बेचैन है उस बात को लेके। जब नौकरियों में धांधली करते थे, अपने कार्यकर्ताओं को भर दिया करते थे, राजनीतिकरण करते थे, तो ये सब चीज़ों पर पारदर्शिता के साथ अच्छी तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं तब लोगों को बुरा लग रहा है, तो अनर्गल अलापने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, आप यहाँ पे घूम के देख लीजिए, समाज का हर वर्ग होगा यहाँ पर, और समाज का जितना मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है 90% बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं वाली मल्हनी विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। यहाँ यादव वोटर करीब 90,000 है, दलित 60,000, ब्राह्मण वोटर करीब 50,000, क्षत्रिय 45,000 और मुस्लिम वोटर की संख्या करीब 24,000 है। कुछ दिन पहले ये भी कहते नजर आ रहे थे कि पूर्वांचल से माहौल बदलता है, लेकिन पूर्वांचल से इस बार माहौल दूसरी तरीके से बदलेगा, बनारस का विकास हुआ है लेकिन आसपास के इलाकों में कहीं विकास नहीं हुआ, ये मुद्दा बार बार अखिलेश यादव उठा भी रहे। तो लोग ये भी तो कहते हैं सफाई के बाहर किया क्या इन्होंने, ये भी तो बताएं, इटावा ज्यादा डेवलपमेंट से छूता है, सफाई गाँव का विकास किए हैं, तो अपने गांव में स्टेडियम बना डाला, इंटरनेशनल सब चीज़ अपने सुविधाओं के लिए, गांव भर के अपनी ज़मीनों के मुआवजे ले लिए गए, सारा काम तो इन लोगों ने अपने अलाइनमेंट, आगरा से आया है उसका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट चेंज किया गया ताकि सफाई होते हुए गुजरे,
तो सारी चीज़ें तो अपनी सुविधा के लिए लोग करते हैं, दूसरों को बताते हैं अपने क्या कर रहे हैं। कम से कम काशी की पहचान बनारस सिर्फ उसकी नहीं, सैफई को लोग नहीं जानते होंगे यहाँ पे, ये लोग आए उसके बाद, लेकिन काशी को आदिकाल से लोग जानते हैं। अगर काशी ठीक हो रहा है, काशी में सुधार हो रहा है, काशी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूरी दुनिया उससे खुशी होगी। काशी हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कम से कम अखिलेश जी को बनारस और काशी के विषय में टिप्पणी न करने लें, पाप पड़ जाएगा बाबा का उनके ऊपर। उनका एक कमेंट था कि वो बाबा का कंप्रेशन है क्या जो ठंडा कर, विश्वनाथ उनको ठंडा कर देंगे। हाँ हम बिल्कुल ठंडा कर देंगे पूर्वांचल में। धनंजय जी, डोर टू डोर आप कैंपेन भी कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपका पूरा अगर पुराना इतिहास सब कुछ देखा जाए, उन मुद्दों पर भी तमाम बातें आई हैं। एक ऐसा भी इनकाउंटर हुआ जिसमें 4 महीने के बाद सब कुछ ओपन हुआ, बात जो बातें बहुत बीत गए, उन सब बातों का कोई प्रश्न नहीं है। हम एक जवाब देंगे, दूसरे सवाल खड़े होंगे, इन सब चीज़ों का कोई नहीं। कितने मार्जिन से आप जीतेंगे, क्या लगा कितना बड़ा मैंडेट होगा? मैंडेट बड़ा होगा, अच्छा होगा मैंडेट इस बार। हम लोग, मुझे लगता है कि 30-35 हज़ार का अंतर आना चाहिए। व्यक्तिगत राय क्या, उनको बाहुबली कहलाना पसंद है या नेता? हम जनसेवक कहलाना पसंद, नेता भी नहीं, जनसेवक कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये है धनंजय सिंह जो खुद को जनसेवक कहलाना पसंद करते हैं और कहते हैं कि इस बार का जो मैंडेट है वो 30 हज़ार से ज्यादा का होगा। राजीव राय के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जौनपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।